हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदर्स मॉम ब्लॉग। और हैप्पी तिलवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और आज है तिलवा चौथ का दिन, मतलब इसे संकट चौथ भी बोलते हैं, तिल चौथ भी कई नामों से मतलब बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे तिलवा चौथ बोला जाता है। और आज यह है मेरा फास्ट, और आज के दिन से ही मैंने ये फास्ट स्टार्ट किया है। पहले मैं नहीं रहती थी, सो मुझे लगा ये ब्लॉग बनाना चाहिए। और अभी मैं हूँ यहाँ अपने घर में विजराहोगढ़ में। और उसके बाद मुझे शाम मतलब अभी फ्री होके, जैसे ही बैंक से फ्री होंगे हमें घर भी जाना है। तो रात की जो मेन पूजा होती है वो घर पे ही सबके साथ करेंगे विद फैमिली। और अभी नॉर्मली जो पूजा होती है वो मैं करूँगी, जा रही हूँ करूँगी। मैंने नहा लिया है और धूप में आ गई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ही हो रही है। और सुबह से ही काम में लगी थी, ये बैंक भी चले ही गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। और ब्लॉग बना नहीं पाई सुबह से क्योंकि मतलब लाइट भी नहीं है, ऊपर से इतनी ठंड है कि सुबह सुबह से मन नहीं हो पा रहा था। और बस अभी मैंने बस नहाया और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अब जा रही हूँ पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद मुझे काफ़ी तैयारियाँ करनी है और विदुर और इनके लिए खाना भी बनाना है मुझे। और अभी हम तीनों अकेले ही हैं, तो मेरा तो आज व्रत है तो मैंने अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है। सो पूजा करने के बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पूजा कर ली है और अब मैं बनाने जाऊंगी खाना। लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही, प्लीज आ जाए यार, मेरे बहुत काम है, कपड़े धुलने नहीं तो हाथ से धुलने पड़ेंगे। अभी हम लोग विदुर के साथ धूप में बैठे हुए हैं, अंदर बहुत ठंड है और लाइट भी नहीं है, तो मैं विदुर के साथ धूप में बैठी हुई हूँ और विदुर वेट कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए इनने क्या मंगाया है, डैडा से जेली वाली टॉफ़ी मंगाई है, तो वो भैया लेके आएंगे, तो ये वही बाहर वेट कर रहे हैं। और मैंने दूध मंगाया तो मैं उसका वेट कर रही हूँ ताकि मैं चाय बना के पी सकूँ। और धूप में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 5:15 होने वाले हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी ये बैंक से आए हैं, बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। बहुत लेट हो गया, पूजा के टाइम पे ही मैं पहुँच पाऊँगी घर। बहुत गुस्सा भी आ रही है, पर क्या करूँ, कि बैंक का काम ही ऐसा है कि अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं। पैकिंग वैकिंग मैंने सब करके रखी थी, बस गाड़ी में रखना है और निकलना है हमें। फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए और देखते हैं कि देखो ये दोनों बड़े मजे से क्या खा रहे हैं, चिप्स, और मैं इनको देख रही हूँ। तो मेरा ब्रदर मुझे खा नहीं सकती। तो मेरा एक सजेशन है आपको, अगर आपका कभी फास्ट है तो आप सफर मत करें। आप जब कभी सफर करते हो तो आपको जरूरी लगती है, चाहे ट्रेन हो, बस हो, कार हो, कहीं भी हो। विदुर, अच्छा बता दो आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप? ये मैड एंगल्स है, क्या है? Do you like it? तो गाइस, हम आ चुके हैं सतना और ये साड़ी का सिलेक्शन हो रहा है। ये बाबूजी बैठे हुए हैं,
भीतर आ गया है कच्ची वाले के पास। कच्ची वाले घर जाओ, ये मामा आ गए हैं। मामा यूट्यूब में आ जाएंगे आप। बोलिए हेलो गाइस। तो देखिए दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ और ये अभी पूजा थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। और ये बाबू जी ने हम लोग की साड़ी लेके आई है, तो मैंने ये कलर पसंद किया है। और जब तो मैं पहन के तैयार होने वाली हूँ, तो मैंने नहीं जब मैंने आगे ब्लॉग में पूजा का वीडियो शेयर करूँगी। बस बस चलो जब जा थोड़ा। बताए थे चाची से घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। चाची से बताए थे देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया, पांच आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके ये गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय। ओके मॉडल, तो हमने अभी यहाँ पे कथा पूरी कर ली है, गणेश जी की पूजा भी कर ली है और अब हम चांद की पूजा करेंगे। इस दिन चांद की पूजा की जाती है, तो आप देख रहे हैं ये चांद निकल चुका है। और उसके बाद हम सभी लोग, मैं थी, मेरी सासू माँ हैं, दीदी लोग हैं, तो हम लोग जो भी व्रत थे सब पूजा कर रहे हैं। तो पहले जल अर्पित करते हैं उनको, फिर जो भी टीका पूजा जो होता है
वो करते हैं और उसके बाद बाद में हम आरती और हवन करेंगे। तुम ना गाओ बना ना चाहे रामा बालक फ्री फालतू लोग भी आ गए हैं ये सात बार घूमना पांच कनक सात बाला नहीं पड़ रहा आज दी ये रात वहीगा तुम लोग अपनी जगह में खड़े रहो आप एक सीधे ज्यादा फैली लगता है पहले घूम ली आरती के लास्ट देखे मम्मी तुम्हें ले पा दो बोटी वहां से तो खाड़े खाड़े निपटा दी क्या क्या खाएंगे हम लोग आज लड्डू खाएंगे तिल का साबूदाना क्या क्या खाएंगे अम्मा साबूदाना गन्ना रात को लड्डू अच्छा चलिए अब खाते हम वीडियो बना रहे मैं वीडियो बना रहा जा नहीं रहा बैठा कानपुर कैसे मैनेजर मैनेजर तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो व्रत था वो पूरा हुआ और अभी हम लोग खाना पीना खा के सब मैं अपने रूम में आ गई अब करूंगी चेंज बहुत ही थक गई हूँ क्योंकि आज पूरा ट्रैवल भी किया व्रत भी था तो अब खा पी लिए हैं अब चेंज करके आराम करेंगे बाय बाय। और मेरा ये व्रत अच्छा लगे मतलब सॉरी मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल सके। सो बाय बाय।